और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज वो देख पाया, अनुभव कर पाया। आपने उसे कुछ प्रोग्राम करने वाले मैं क्या करना चाहता हूँ? हाँ हाँ अर्पिता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी कलाकार को इन फॉर्म देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यू शुड ऑल्सो परफॉर्म। और मैं एक सोलो करने जा रहा हूँ पृथ्वी फेस्टिवल में पियक्कड़, तो मुझे ऐसा लगा कि इनको देखकर इनका स्वर, इनका भाव, अभिनय में एक लुटाने की एक जो उनकी क्षमता थी, कि ऐसा मुझे लगा कि वो बिल्कुल ही एक मग्न तरीके से, भावमग्न होकर वो परफॉर्म कर रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम इंस्पायर्ड। बस भाव की आतिशबाजी होगी भाई, हम हमारी रिहर्सल करते रहेंगे और आज कुछ ऐसा देख, कहाँ है वो, अगर वो आ जाए तो उनको हम यहाँ, अर्पिता जी प्लीज़ आप आइए कि आपको मैं पहले कैमरा के सामने ही धन्यवाद दूं और आपसे कह दूं कि सच नहीं नहीं प्लीज़ मत कीजिए आप ऐसे, मैं इतना ज़रूर कहूँगा। हाँ जी, मेहनत तो बहुत है। एक बात बता दूं, जब मेहनत दिखाई नहीं देती ना तब वो और भी कमाल होता है। अरे बाप रे, बहुत दिन से, बहुत महीने से, स्पेशली गाना, मतलब प्रॉपर रियाज करना और गले को तैयार करना, क्योंकि आप सब सुने हो देखे हो प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक है ना, बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर डायलॉग बोलना, गाना गाना, डायलॉग बोलना, गाना गाना, और वो भी अलग अलग भाषाओं में, बंगाली भी बोलना है, हिंदी भी बोलना है, अंग्रेजी भी बोलना है, सारी भाषाओं में जाना है, तो इट वाज चैलेंजिंग, इट वाज वेरी चैलेंजिंग। या अरे अरे नहीं नहीं, ये इनका बड़प्पन है, आप ऐसा प्लीज मत बोलिए। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, ये मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पीचलेस। थैंक यू सो मच दैट ही हैज कम एंड ही हैज अप्रिशिएटेड। उसका मतलब यही है कि मुझे और बेटर करना पड़ेगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। घर का मुर्गी दाल बराबर, अब दाल मुर्गी के बराबर है, अब उल्टा हो गया। ये घर संभालती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए देखभाल करती है, सब कुछ करती है, अपना जो होता है एज हाउस वाइफ, घर की बहू जैसी। लेकिन इसके अंदर जो टैलेंट है, हमें पता तो चल गया था जब ये नई नई आई थी बंगाली फिल्म, मेरे साथ ही अनुपम, इसके बाद स्लोली बंगाली फिल्म में इन्होंने काम करना शुरू किया, ग्रेजुअली अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करने लगी। लेकिन स्टेज पर कैसे शिफ्ट हुई, हमने कला मंदिर में एक प्रोग्राम किया था, एक नाटक, हिंदी नाटक किया था, वो मेरी वाइफ डायरेक्टर थी, मेरी बेटी थी शंभवी, बाकी सब थे थिएटर के, बॉम्बे से आर्टिस्ट गए थे सब, उन लोगों ने एक उल्टा सीधा बोल के कॉमेडी ड्रामा किया, तो वहाँ ही आई थी देखने के लिए। उसने मेरी बेटी का परफॉर्मेंस देख के बोली, हम लोग भी कैसे स्टेज पर किया, कैसे डायलॉग बोल दिया इतनी, अब इसको स्टेज पर इतना मतलब दिलचस्पी नहीं थी। बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पर शिफ्ट हो गई, अचानक एक दिन मुझे पता चला कि ये गौहर जान बोल के नाटक कर रही है, म्यूजिकल ड्रामा, एंड अकेली, तो मुझे कुछ क्लिप इन्होंने भेज दिया, तो मैं देख के हैरान हुआ, कलकत्ता में किया था और बंगाली में किया था, है नहीं बंगाली में, तो मैं वो देखने के लिए मैं बहुत बेचैन था, तो अचानक ये मुंबई में किया, हम तो रहते हैं मुंबई, अचानक ये इन्विटेशन आया और हमें पता चला यहाँ दो दो शो हो रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बोला कब आएंगे आप देखने के लिए, 25 को या 27 को, मैंने बोला 27 को आऊँगा मैं, संडे है, तो आज मैं आया। और हमें इतना पता नहीं चला कि इस टाइप का ड्रामा हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज हमने देखा नहीं। आप सीन
अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखा, उत्पल दत्त का लिटिल थिएटर देखा, शंभू मित्र का बहुरूपी देखा, इवन पापा जी के साथ पिछले थिएटर में शशि कपूर हमारा दोस्त था, तो थिएटर्स में डॉक्टर लागू, डॉक्टर श्रीराम लागू का ड्रामा, अमोल पालेकर का ड्रामा, यू नो, तो थिएटर देखने का मेरा शौक है। इवन शिवाजी गणेशन का तेनकुड़ू जो ड्रामा, वो शिवाजी जी मुझे खुद लेकर गए थे, बिकॉज उनको मालूम था कि मैं, मुझे ड्रामा पसंद है, थिएटर देखना पसंद है। तो तेनकुड़ू वियतनाम हाउस, दो तमिल स्टेज पर मैंने शिवाजी जी का देखा, शिवाजी गणेशन, वो मुझे साथ लेकर गए थे। तो मुझे थिएटर देखने का शौक है, और इतने सालों के बाद मैं विष्णुदास भावे हॉल में, जब बिमल मिश्र राइटर का जो 100 ईयर्स हुआ, मैंने खुद उनको ट्रिब्यूट दिया था ड्रामा करके, उसमें हमारे साथ सुधा चंद्र ने किया एक तवाइफ का रोल, और रजा मुराद ने भी एक रोल किया था, तो विष्णुदास भावे अब आए थे, नहीं बहुत लोग आए थे। देखिए दो तरीके से होते हैं, गणपति और कार्तिक की कहानी क्या थी, कार्तिक घूमा आया, गणपति अपने माँ बाप के इर्द गिर्द घूमा। मुझे लग रहा है कि ये कार्तिक भी है और गणपति भी है। गणपति क्यों है, क्योंकि इस मिट्टी की कहानी, अपने माँ बाप की कहानी वही है, और कार्तिक क्यों है, वो घूमने भी जा रही है, दोनों किरदार निभा रही। लेकिन मैं जो कहूँगा, रियली जो है कला की देवी जो हैं वो सरस्वती होती है, उनके आशीर्वाद होने से ही जो कलाकार, यहाँ पर जंग छिड़ जाएगी, गणपति के बिना क्या होगा, गणपति यहाँ, गणपति के बिना क्या होगा, गणपति से तो शुरुआत होती है, संकट विघ्न हरता है, गणपति इज द गॉड ऑफ सक्सेस, वो सक्सेस देते हैं, क्या बात है, ज्ञान, गणपति सक्सेस देते हैं, ज्ञान।